भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते तो आज 11वां नंबर श्लोक से चर्चा करेंगे, 17वें अध्याय श्रीमद् भगवद गीता। तो आगे बढ़ने से पहले कल हमने जो 10 श्लोक चर्चा किया था उसका थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। कल हमने क्या चर्चा किया था? श्रद्धा 3 प्रकार का है। 17वें चैप्टर में 4 विषय में बताया, श्रद्धा, आहार, श्रद्धा 3 है, आहार भी 3 प्रकार के हैं। सत्य का आहार जो है, जो आयु को वर्धित करता है, बल को बढ़ाता है, बुद्धि को तेज करता है, स्निग्ध है, रस, सात्विक आहार के बारे में बताया, रसीला, स्निग्ध और स्थिर है, हृदय है, आयु, सत्व, बल, आरोग्य, इन सबको बढ़ाता है। और रजोगुण का आहार है कटु है, अम्ला है, यानी कड़वा मंद, है, बहुत बहुत ज़्यादा कड़वा, मतलब थोड़ा कड़वा तो चलता है जैसे करेला खाएंगे तो कड़वा ही रहेगा, लेकिन ज़्यादा कड़वा, ज़्यादा खट्टा, ज्यादा नमकीन, अति, मतलब बहुत ज़्यादा नमक, अति उष्ण, बहुत ज़्यादा गर्म, तीक्ष्ण, बहुत तीक्ष्ण है, सूखा है, जलाता है, हाँ, ये और क्या प्रदान करता है? दुख और शोक और बीमारी प्रदान करता है। ये रजोगुण का आहार है। और तमोगुण का भी बताया, यात यामम गदरसम, मतलब बहुत 3 घंटे सुंदर। पीटने के बाद रस सूख गया, हाँ, सड़ा हुआ, बदबू मारता हुआ, उच्छिष्ट यानी झूठा, और अस्पृश्य, अस्पृश्य का मतलब जो मरा हुआ उसको अस्पृश्य, ये सब तामसिक आहार है। लेकिन उससे पहले ये 3 प्रकार की तपस्या भी बताई गई है ना, सात्विक सात्विक तपस्या कैसे होता है? तपस्या तो नहीं है, हाँ, नहीं, तामसिक तपस्या के बारे में बताया गया है, जैसे अशास्त्र विहितम, शास्त्रों के अनुसार नहीं है, घोर है, दंभ अहंकार के साथ किया हुआ है, काम राग और बल के अनुसार, और शरीर में जो जीव है, दूसरे जीव है और परमात्मा है, इन सबको भी कष्ट, कष्ट पहुंच सकते हैं। अति कष्ट पहुंचाते हैं। लेकिन सबसे पहले 3 प्रकार की श्रद्धा, वो नहीं बताया 3 प्रकार की श्रद्धा क्या है, सात्विक श्रद्धा जो बाकी है, सब लोग होता ही है। श्रद्धा तो ही सात्विक, राजसिक, तामसिक है। हाँ, ठीक, तो क्या है? उसमें बताए थे आपने सात्विक श्रद्धा में जो आते हैं, मतलब सत्तु, वो मतलब क्या है, थोड़ा मिस करते हैं। देवता लोग को पूजा करते हैं, और राजसिक व्यक्ति लोग जस पहले ही रस, बताया, आपको इतना भी याद नहीं रहता है जस रस पीते जैसे रहते हैं। हैं, यक्ष और गंधर्व, जस रस जस रस रजो रजो, और तामसिक जो है भूत प्रेत। देखो, यहाँ पर श्रद्धा में कल थोड़ा कुछ और भी कुछ एक्स्ट्रा बोलना चाह रहा था लेकिन नहीं बोल पाया, अभी बोलूँगा। श्रद्धा जो है 3 प्रकार का, ऐसे क्यों बताया? सात्विक, राजसिक और तामसिक, यानी ऐसा नहीं कि वो सिर्फ उन लोगों को पूजा करते हैं
उनके विश्वास उनके ऊपर होता है, इसलिए स्वभाव के अनुसार उनके विश्वास उनके ऊपर रहता है। जैसे सात्विक लोग हैं वो देवताओं को पूजा करते हैं, और जो राजसिक हैं यक्ष राक्षस और जो शक्तिशाली मनुष्य, शक्तिशाली मनुष्यों को पूजा करते हैं, और जो तामसिक हैं वो भूत प्रेतों को पूजा करते हैं। लेकिन यहाँ मुख्य बात यह है क्यों करते हैं, पिछले जन्म के कर्म या स्वभाव स्वभाव के अनुसार है वो तो ठीक है, हाँ स्वभाव के अनुसार है। और दूसरी बात है स्वभाव है परिवेश का जो संग संग के अनुसार भी गुण वो सब ठीक है, पर मुख्य बात यहाँ पर यह है कि उनका विश्वास, श्रद्धा का मतलब क्या है, पहले तो विश्वास, श्रद्धा का मतलब क्या है, विश्वास, उनका विश्वास उसके ऊपर है। हम कई बार देखते हैं कि हम भी अपने बारे में भी अगर विचार करें तो हमारा विश्वास कई बार भगवान के ऊपर जितना विश्वास है ना उससे ज़्यादा हम दूसरी चीज़ों पर विश्वास करते हैं। जैसे लोग राजनीति क्यों करते हैं, क्योंकि उनका विश्वास वो शक्तिशाली मनुष्य के ऊपर है कि वो मुझे हेल्प करेगा, वो मुझे हेल्प कर सकता है, भगवान पर विश्वास नहीं है। हम देखते हैं कि जैसे इवन जब हम प्रचार करते हैं, प्रचार में भी हम लोग भेदभाव करते हैं ना कि ये व्यक्ति बहुत शक्तिशाली है, बहुत बड़ा आदमी है, तो उसको ज़्यादा हम समय देते हैं या उसको ज़्यादा हम प्रचार करते हैं, और ये व्यक्ति साधारण है, कोई साधारण व्यक्ति मान लीजिए वो व्यक्ति अगर मंदिर में आता है तो उसको इतना ध्यान नहीं देते हैं, कभी कभी कहीं कहीं कुछ लोग प्रचारक ऐसा करते हैं, भेदभाव करते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि एक फंक्शन था, उस फंक्शन में सबको इनवाइट किया गया है, और तो उसमें दो लाइन बनाए गए, दो लाइन नहीं दो अलग अलग व्यवस्था किया गया है, एक साधारण लोगों के लिए और एक वीआईपी लोगों के लिए। तो फिर राधानाथ महाराज वहाँ पर आए थे और पूछे कि ये दो अलग अलग क्यों हैं, दो अलग अलग विभाग क्यों हैं। बोले ये वीआईपी के लिए एक साधारण, तो बोले जो भी यहाँ आता है वो वीआईपी है, अब भेदभाव क्यों करते हैं, ऐसा बोले। तो मतलब ये है कि हम जब अगर कोई व्यक्ति भगवान के ऊपर विश्वास से ज़्यादा वो दूसरे लोगों पर विश्वास ज़्यादा करता है तो इसका मतलब है वो रजोगुण से प्रभावित है, या दूसरे लोगों पे या दूसरे व्यवस्था पे वो रजोगुण से प्रभावित है। इवन भक्ति में भी हम करते हैं, इस्कॉन में आने के बाद भी कई बार हम भगवान पर डिपेंड नहीं करते, हम दूसरे दूसरे चीज़ों पर डिपेंड करते हैं, होता है ना। वो बोलते हाँ भगवान तो हैं वो तो करेंगे, लेकिन लेकिन प्रैक्टिकल होना पड़ेगा भैया, बोलते हैं ना प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। प्रैक्टिकल होना मतलब हमारे लिए क्या, जो काम कर सकता है हमारा, कोई बड़ा आदमी को पकड़ो, कोई क्या बोलते हैं उसको, राज मतलब पॉलिटिशियन हो या कोई बहुत अमीर आदमी हो, उसको मतलब हम खुश करने का प्रयास करते हैं। क्यों, क्योंकि हमारा विश्वास भगवान से ज़्यादा उनके ऊपर है कि भगवान उद्धार नहीं करेगा, ये आदमी हमको उद्धार कर है कि नहीं। तो उसी प्रकार से, लेकिन अगर भगवान पर विश्वास करेंगे तो हमको ऐसा भेदभाव करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी आएगा चाहे वो सबसे गरीब आदमी हो, सबसे अमीर आदमी हो, छोटा से छोटा आदमी हो या बड़ा आदमी हो, सब भगवान के सामने भगवान के बच्चे हैं। पर यह बात जरूर होता है समाज के नेताओं को हम प्रचार करेंगे तो बाकी लोग भी फॉलो करेंगे, वो भी सही बात है। यद्यद आचार्य तो श्रेष्ठ, वो भी गीता में भगवान ने बताया कि जो श्रेष्ठ व्यक्ति समाज का, जो श्रेष्ठ व्यक्ति जो करता है बाकी लोग उसको फॉलो करते हैं। तो अगर श्रेष्ठ व्यक्ति को आप भक्त बनाएंगे तो बाकी लोग अपने आप बन जाएंगे,
ये स्ट्रेटजी तो है, वो तो ठीक है, लेकिन वो स्ट्रेटजी जो है वो अपनाना भी जरूरी है, लेकिन उसमें भेदभाव नहीं होना। अगर कोई अपने आप से कोई छोटा भी आदमी आता है तो उसको हम मना नहीं करेंगे कि आप आपको भक्ति नहीं देंगे ऐसा। मतलब हम कभी कभी समाज के नेता के पास जाते हैं क्योंकि उसको प्रभावित करके दूसरे को, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने भी किया था, सार्वभौम भट्टाचार्य, प्रकाशानंद सरस्वती, उनको प्रचार किया, तो वो भक्त बने तो बाकी उनके अंडर में जितने लोग हैं, जो नेता जब भक्त बनता है तो ऑटोमेटिकली जो फॉलोअर है वो भक्त बनता है। इवन जो श्रीनिवास आचार्य, ये लोग भी ऐसे ही किए थे, जो राजा है राजा को पहले भक्त बनाते हैं, जब राजा भक्त बनता है तो क्या होता है, सारी प्रजा भी भक्त बन जाता है, वो सबको भक्ति में प्रोत्साहित करेगा। तो वो स्ट्रेटजी है, मतलब वो करना भी जरूरी है, लेकिन वो भेदभाव के रूप नहीं लेना चाहिए, भेदभाव के रूप नहीं लेना चाहिए। उसके लिए कोई अच्छा उदाहरण दे सकते हैं आप, भेदभाव नहीं किया? आप बोलो आप। प्रहलाद महाराज क्या सब में समान देखते थे, सबने भगवान को देखते, वो तो ठीक है। एग्जाम्पल मतलब ऐसे कोई घटना हुआ क्या? प्रभुपाद ने एक तरफ प्रचार करने के लिए वो फोर्ड कंपनी का जो मालिक है ना, अल्फ्रेड फोर्ड, जो प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, फोर्ड कार कंपनी का मालिक अल्फ्रेड फोर्ड, तो वो भी प्रभुपाद जी के शिष्य, उनको भी प्रचार किए थे, है ना। और एलन गिन्सबर्ग जैसे बड़े बड़े, उस टाइम पे बहुत प्रभाव था उनका, एलन गिन्सबर्ग बहुत बड़े कवि थे और युवा सब उनको मानते थे, तो उनको भी प्रचार किए। और एक साधारण हिप्पी, उसका नाम क्या है, क्रेजी पीटर बोल देते हैं, वो तो हिप्पी था, हमेशा पागल रहता था, गंदा रहता था, तो उसको भी प्रभुपाद जी ने आश्रय दिया। वो इतना गंदा था कि बहुत दिन से नहाता नहीं था, ऐसे लंबा बाल रख के घूमता था, लोग उसको पागल समझते थे, क्रेजी पीटर, तो उसको थोड़ा दूर रखते थे। एक बार प्रभुपाद जी वहाँ आए थे तो क्रेजी पीटर क्या के पेड़ के पीछे छुप गए थे, जैसे प्रभुपाद जी सामने आए एकदम से जाके प्रभुपाद जी के पैर पकड़ लिया चरण जोर से और छोड़ ही नहीं रहा। तो प्रभुपाद बोले इसको शेव करो, मंदिर में रखो, तो उनको शेव करके मंदिर में रखा। फिर उसके बाद वो इतने बड़े विद्वान बन गए, बहुत सारे संस्कृत ग्रंथों को अंग्रेजी में अनुवाद किए, उनका नाम कुशाकृत दास हो गया। उनके बहुत सारे बुक्स हैं जो संस्कृत से उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। तो क्रेजी पीटर को भी उन्होंने मर्सी दिया उतना ही, और बड़ा आदमी को भी दिया, डिस्क्रिमिनेट नहीं किया। भक्ति तीर्थ महाराज भी ऐसे ही करते थे, एक तरफ नेल्सन मंडेला को भी प्रचार किए थे, क्योंकि वो भी जरूरी है, क्योंकि जब नेता को भक्त बनाओगे तब ना दूसरे लोग भक्त बनेंगे, तो नेता को भक्त बनाए। लेकिन ऐसा नेता को भक्त बनाने के चक्कर में छोटे लोगों को नेग्लेक्ट नहीं करते थे। कोई भी एक स्त्री, अकेली औरत या कोई कमज़ोर व्यक्ति जिसके पास कोई बल नहीं है, पर उसके साथ अन्याय किया गया, तो भक्तिदेव तुम्हारे उनके साथ खड़े रहते थे। जरूरत है तो सारे जीवीसी बॉडी को भी वो चैलेंज करते थे, मतलब उनसे भी अलग खड़े होते थे, अकेले सारे जीवीसी बॉडी के सारे मेंबर एक तरफ, वो अकेले एक तरफ, ऐसा मैंने सुना महाराज बोलते थे, अकेले एक तरफ रहते थे, जहां उनको जो वीक है उनको सपोर्ट करने के लिए। पर कई लोग क्या करते हैं, सोचते हैं अरे बहुत सारे लोग इनके सपोर्ट में नहीं है, उनको सपोर्ट करने में कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा भी नहीं उनको सपोर्ट करके, ऐसा रहता है। लेकिन तो ये चीज जो है, जो वीक है, जो हमको लगता है कि इसको हेल्प करने से हमको कोई फायदा नहीं है, या इसको प्रचार करेंगे तो भी क्या फायदा होगा, ऐसा हम सोचते हैं, फायदा के बारे में सोचते हैं,
तो इसका मतलब हम रजोगुण का श्रद्धा है। और तमोगुण का श्रद्धा तो बता ही दिया। और एक किसका नाम अल्बर्ट फोर केजी मीटर आ रहे हैं, और एक किसका नाम बताइए, भक्ति तीर्थ महाराज का नाम, भक्ति तीर्थ महाराज, भक्ति तीर्थ महाराज भी ऐसा भेदभाव नहीं करते थे। मतलब नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला बहुत बड़े लीडर थे, उनको भी प्रचार करते थे। एक साधारण गांव में, जैसे अफ्रीका के गांव में वो लोग, उनके पास, वो तो बहुत गरीब देश है, कई बार उन लोगों को खाने का भी नहीं रहता है, उन लोगों को भी प्रचार। तो भेदभाव नहीं करना है, एट द सेम टाइम स्ट्रैटेजी भी अपनाना है। ये चीज़ है, बैलेंस। स्ट्रैटेजी नहीं अपनाओगे तो सक्सेस नहीं हो पाओगे। हम क्यों आईआईटी और अच्छे अच्छे कॉलेज में प्रीचिंग करते हैं, क्योंकि आईआईटी का एक लड़का भक्त बनेगा तो वो 100 और लोगों को भक्त बनाएगा। तो इसलिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरे कॉलेज के बच्चों को हम प्रचार नहीं करते हैं, उनको भी करते हैं, किसी को भी करते हैं ऐसा। तो हमको भगवान पर विश्वास होना चाहिए। भगवान पर अगर विश्वास करके अगर करेंगे तो सात्विक श्रद्धा, यानी शुद्ध सात्विक श्रद्धा है। लेकिन अगर हम विश्वास किसी राजनीतिज्ञ के ऊपर या कोई पावरफुल व्यक्ति के ऊपर या पैसे के ऊपर अगर श्रद्धा करेंगे, इसका मतलब हम रजोगुण में। ये चीज़ मैं कल ऐड करना चाह रहा था। चलो अभी फिर 11वां नंबर श्लोक से करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादि पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 11वां नंबर। अफलाकांक्षिभिर्यज्ञो, अफलाकांक्षिभिर्यज्ञो विदिष्टो य इज्यते, यष्टव्यमेवेति मनः, समाधाय स सात्विकः। तो अभी क्या बोल रहे हैं, पहले तो तीन प्रकार का श्रद्धा बताया, फिर उसके बाद तीन प्रकार का खाने के बारे, आहार के बारे में बताए थे, और क्या क्या बताएंगे बताए थे, यज्ञ तपस्या दान और एक और चीज, एक और चीज बताएंगे बताए, यज्ञ, यज्ञ तपस्या और दान, यस हाँ, चौथा तो आहार है, आहार तो हो गया। तो अभी तीन प्रकार का यज्ञ बता रहे हैं। अभी सात्विक यज्ञ क्या है, अफलाकांक्षी भी यज्ञ, फल की आकांक्षा के बिना जो यज्ञ किया जाता है, बिना फल की आकांक्षा से, ठीक है, विधिदिष्टो और विधि के अनुसार किया जाता है, शास्त्र विधि के अनुसार किया जाता है, विधिदिष्टो या इज्जते, ये बहुत जरूरी है। हम कई बार सोचते हैं कि रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। रूल्स एंड रेगुलेशंस चलो ठीक है, भक्ति ज़्यादा प्रधान है, वो तो ठीक है, भक्ति भाव ज़्यादा प्रधान है, वो तो सही बात है, लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशंस भी इम्पोर्टेंट है। रूल्स को फॉलो करके, जैसे भगवान की विग्रह अर्चन है, उसमें बहुत सारे रूल्स होते हैं, बहुत सारे मंत्र होते हैं, बहुत सारे विधि होते हैं, वो सबको अगर फॉलो करके अगर करेंगे तो सही है, भगवान प्रसन्न होंगे। कोई भी यज्ञ में भी विधि दिष्ट हो, विधि के अनुसार करना चाहिए। और संकीर्तन यज्ञ में भी विधि है, हर यज्ञ में एक विधि क्या है,
प्रसाद बांटना, कभी भी कोई भी फंक्शन बिना प्रसाद बांटे हुए नहीं कर सकते, वो भी एक विधि है। और अतिथियों को सम्मान करना, वैष्णवों को सम्मान करना, ये सब फल के आकांक्षा के बिना करना चाहिए, विधि के अनुसार करना चाहिए। यष्टव्यमेवेति मनः, यष्टव्यमेव मतलब ये करना ही चाहिए, करना पड़ेगा, ये मेरा ड्यूटी है, ये मेरा कर्तव्य है, ऐसे समझकर जो किया जाता है। समाधाय यानी समाधि में, यानी दृढ़ निश्चय के साथ, ये सात्विक यज्ञ है। समझ गए ना, एक तो फल की आकांक्षा के बिना, फल की इच्छा के बिना, फिर विधि के अनुसार करना है और अपने कर्तव्य समझकर करना चाहिए। ठीक है, वो सात्विक यज्ञ है। लेकिन शुद्ध सात्विक यज्ञ क्या होता है? शुद्ध सात्विक वो भगवान को प्रेम से, शुद्ध सात्विक जहां भी आ जाता है ना, मतलब प्रेम, जब प्रेम से करते हैं, सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, भगवान की खुशी के लिए करते हैं, वो शुद्ध सात्विक है, वो सत्वगुण से भी ऊपर है। लेकिन सत्वगुण में क्या होता है? ये सब होते हैं, फल की इच्छा के बिना, विधि के अनुसार, अपने कर्तव्य समझकर, दृढ़ निश्चय के साथ। फिर अगली वाला देखिए रजोगुण का, अभिसंधाय तु फलम्, अभिसंधाय तु फलम्, दम्भार्थमपि चैव यत्, दम्भार्थमपि चैव यत्, इज्यते भरतः श्रेष्ठः, इज्यते भरतः श्रेष्ठः, तं यज्ञं विद्धि राजसम्, तं यज्ञं विद्धि राजसम्। तो ये रजोगुण का यज्ञ क्या है? अभिसंधाय तु फलम्, यानी फल की इच्छा के साथ, फल की अपेक्षा, मतलब अपेक्षा करते हुए, यानी फल चाहते हुए, और दंभार्थम, दंभ दूसरों को दिखाने के लिए, देखो मैं कितना बड़ा यज्ञ किया हूँ, लोगों को थोड़ा दिखाई पड़े कि देखो मैंने तो किया है ना यज्ञ, मैंने ही तो किया है, करता तो मैं हूँ, देखो मैंने किया है यज्ञ, सबको पता चले मैंने कितना बड़ा यज्ञ किया है, फलाना फलाना व्यक्ति ने कितना बड़ा यज्ञ किया है, इज्जते भरत श्रेष्ठ, ये रजोगुण का यज्ञ है। मुख्य यहाँ तो दो ही चीज बताया, एक तो फल की इच्छा के साथ और दंभ के साथ, गर्व के साथ, यानी दिखावा, दिखावा करते हैं ना, देखो उनके घर में पूजा करवाया, कितना बड़ा कराया, कितना अच्छा कराया, या वो करते हैं, वो कीर्तन करते हैं, कितना अच्छा कीर्तन करते हैं, बहुत अच्छा मीठा कीर्तन करते हैं, बहुत एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट कीर्तन लीडर है वो, उनने मंदिर बनाया, कितना बड़ा मंदिर बनाया, उनने प्रचार किया, कितना जोरदार प्रचार किया, मतलब सब लोग ऐसे समझना चाहिए हमको, मतलब हम क्या है लोग पहचानना चाहिए, ऐसा सोच के जो किया जाता है। और फल के लिए देखो मैं ये करूँगा तो उससे मुझे इतना लाभ होगा, मुझे इतना दक्षिणा मिलेगा, मेरे इतने सारे अनुयायी बनेंगे, मुझे मतलब नाम यश कीर्ति प्रतिष्ठा ये सब बढ़ेगा, सोचकर जो किया जाता है, ये रजोगुण का है। अभिसंधाय तु फलम्, हाँ ये रजोगुण का यज्ञ क्या बताया था, रजोगुण का यज्ञ में मेनली क्या है, फल की इच्छा होती है, फल और भोग, बेसिकली वो भोग का जो प्रवृत्ति है उसके लिए क्या है, दिखावा, दिखावा में क्या है, लोग तारीफ करेंगे, एक प्रकार से मेरा ख्याति बढ़ेगा, मेरा प्रतिष्ठा बढ़ेगी, लोग समझेंगे मैं क्या हूँ, मैं कितना ग्रेट हूँ, फलाना फलाना ने ऐसा किया, अच्छा ऐसा लोग सोचेंगे। ये चीज़ है, या कुछ भौतिक लाभ, यानी कोई धन की प्राप्ति, कोई अपनी इन्फ्लुएंस बढ़ के, अपने अनुयायी बढ़ा के, पावर बढ़ा के, ये सब चीज़, तो ये रजोगुण का एक इसका उद्देश्य से जो किया जाता है। फिर अभी तमोगुण का देखिए,
विधिहीनम सृष्टान्नम मंत्रहीनम दक्षिणम अदक्षिणम श्रद्धा विरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते परिचक्षते ओके ये तपोगुण का यज्ञ क्या है विधिहीनम सबसे पहले विधि के अनुसार नहीं है जैसे बताया वैसा नहीं कर रहे कीर्तन कर रहे हैं लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र नहीं कर रहे हैं कहीं से कुछ ले आया है प्रामाणिक भजन नहीं गा रहे हैं पता नहीं इधर उधर से अच्छा एक उससे याद आया जीबीसी रिजोल्यूशन है कि जब कीर्तन करते हैं कीर्तन में वो क्या है हरि हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन ऐसा गाना चाहिए वो भजन अलग है हरि हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गिरिधारी गोपीनाथ मदन वो अलग वो तो भजन है लेकिन चैतन्य चरितामृत में बताया गया है कि चैतन्य महाप्रभु और उनके पार्षद ऐसा गाते थे हरि हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन ऐसा है चैतन्य चरितामृत में क्यों क्यों गाते थे उनसे पूछना पड़ेगा बट लेकिन ऐसे चैतन्य महाप्रभु के पार्षद गाते थे चैतन्य महाप्रभु गाते थे कभी कभी मोस्टली तो हरे कृष्ण मंत्र ही गाते थे कभी कभी ये दो लाइन बस तो इसलिए इस्कॉन में ऐसा जीबीसी का ये निर्देश है कि ये दो लाइन ही गाना चाहिए और वो भी नहीं गाने से भी चलेगा ऐसे नहीं कि गाना ही पड़ेगा आप सिर्फ हरे कृष्ण मंत्र से भी कर सकते लेकिन अगर गाना चाहते तो ये दो लाइन गा सकते थोड़ी देर के लिए ऐसा और आधा समय तो हरे कृष्ण मंत्र होना चाहिए कम से कम कीर्तन में जैसे आरती का भजन जो होता है वो आधा कम से, और ये आधा कम से कम आधा ओके तो विधिहीनम विधि विधि के बिना जो किया जाता है जैसे शास्त्र विधि एक है और उसका उल्टा कर रहे हैं असृष्टान्नम ये देखो असृष्टान्नम यानी विदाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रसादम ये प्रसाद बांटे बिना प्रसाद बांटे बिना यानी कोई भी यज्ञ बिना प्रसाद बांटे पूर्ण नहीं मंत्रहीनम बिना मंत्र के और अदक्षिणम दक्षिणा दिए बिना दक्षिणा भी देना जरूरी है और श्रद्धा सबसे इम्पोर्टेंट क्या है श्रद्धा श्रद्धा विरह श्रद्धा नहीं है ये कोई ऐसे ही मतलब यज्ञ कर रहे हैं ताकि लगे कि हमने यज्ञ किया है लेकिन उसमें कोई श्रद्धा नहीं है कोई जैसे हम देखते हैं लोग अपने घर में सत्यनारायण पूजा या कोई ऐसे कराते हैं या कोई भी उनका वो लोग आते हैं बस अच्छे कपड़े पहन के अच्छा सोने के आभूषण सब पहन के आते हैं महिलाएं बैठ के गप्पे मारते हैं इधर उधर के बातें करते हैं बस हाँ बातें करते 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 ऐसे ही खाना खा के चले जाते हैं यही सत्यनारायण कथा है उनका भगवान के सामने आके हाथ जोड़ लेते हैं एक मिनट ऐसा हाँ हमने भी जोड़ लिया हमने भी कर लिया एक अटेंडेंस दिला देते हैं बैठते हैं हम कथा में बैठते हैं तो कथा में उनका ध्यान बिल्कुल कथा पे रहता ही नहीं है वो तो अपने बातों में ही रहते हैं तो ये है श्रद्धा वगैरह उनका कोई श्रद्धा नहीं वो बस गेट टुगेदर है उनका सोशल गेट टुगेदर के हिसाब से आते हैं लेकिन वो कोई पूजा के लिए नहीं आते तो ये चीज है तामसिक है तामसम परिचक्षते मंत्र के बिना दक्षिणा के बिना प्रसाद बांटे बिना विधि के बिना और श्रद्धा के बिना जो किया जाता है राइट वो सिर्फ पैसा पैसा खर्च करते हैं रिक्रिएशन के लिए हाँ ठीक है बस मज़ा आया था कि एक एक कार्यक्रम हुआ सब लोग आए आराम से सोशल गैदरिंग हुआ और शादी भी करते हैं और शादी करने के समय पर जो पंडित जी जो मंत्र बोल रहे हैं उस पर किसी का ध्यान नहीं रहता है ध्यान तो सिर्फ इसी पे रहता है कि हमको कॉफ़ी चाय और जो खाना वगैरह जो मिलना चाहिए सब लोग क्या गिफ्ट लाए क्या कौन क्या कर रहे हैं इधर उधर के सब बातें
ठीक है, तो आप देखिए चौथा चौथा नंबर श्लोक। देवद्विज गुरु प्राज्ञा पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। हाँ, तो अभी तपस्या की बात कर रहे हैं। तीन प्रकार की तपस्या, शारीरिक, वाचिक और मानसिक, ठीक है। ये तीन गुण के अनुसार नहीं है, ये तो तीन गुण का तपस्या तो आगे बताएंगे, लेकिन ये तीन टाइप का तपस्या है, जैसे शारीरिक, वाचिक और मानसिक। अब शारीरिक तपस्या क्या है? देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम, सबसे पहले देवताओं की पूजा करना, द्विज ब्राह्मणों की पूजा करना यानी वैष्णवों की पूजा करना, और गुरु की पूजा करना, और प्राज्ञ, प्राज्ञ मतलब नहीं जो ज्ञान में उच्च उच्च व्यक्ति यानी एडवांस्ड डिवोटीज, एडवांस्ड डिवोटीज प्राज्ञ जिनके पास बहुत ज्ञान है, उनकी पूजा करना, ठीक है। प्राज्ञ का मतलब ये बड़े लोग भी होते हैं, जैसे माता पिता भी हो गए या सब बुजुर्ग जो है सीनियर है, उनकी पूजा करना। और शौचम, शौचम का मतलब स्वच्छता, क्लीनलीनेस, अंदर का और बाहर का दोनों, मन के अंदर भी स्वच्छ होना चाहिए और शारीरिक रूप से। और आर्जवम, आर्जवम का मतलब सरलता, और ब्रह्मचर्यम, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, ये सब क्या है? शारीरिक तपस्या है। तो आप जाके बोल के हम उनको जो कुक है तो ये जो इनकी पूजा जो है और शारीरिक तपस्या क्या है, देवता, द्विज गुरु, प्राज्ञ और इन सब की पूजा करना, साफ साफ सुथरा रहना और सरलता रहना, और ब्रह्मचर्य की पालन करना, ब्रह्मचर्य की पालन करना भी शारीरिक तपस्या है, और अहिंसा। ये करना ये तपस्या है, बाद में बात करें। तो देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम, तो ये सब चीजें शारीरिक तपस्या। अब बताइए आप लोग शारीरिक तपस्या क्या है, जो भी क्लास में बैठ रहे हो उनका ड्यूटी होता है बोलना। हाँ, हाँ, देवताएं, बड़े ब्राह्मण और प्राज्ञ इन सब की पूजा करना, साफ रखना भी शारीरिक तपस्या है, दिन में दो बार नहाना, हाँ, और अपने घर को भी साफ रखना। हाँ, अंदर अंदर का तो साफ सफाई कैसे होता है, वो तो हरि नाम से होता है, और बाहर का कैसे होता है, दो बार कम से कम नहाना, स्वच्छ कपड़े, एक बार पहना हुआ, एक दिन पहना हुआ दोबारा नहीं पहनना, तो साफ कपड़े पहनना, अपने बाल सही समय पर काटना, हमको तो सही समय पर मुंडन करना, नाखून काटना है ना साबुन से, और ये जहाँ हमारा घर वगैरह रूम जहाँ रहते हैं उसको अच्छे से डेली पानी के साथ साफ करना, और इस तरह स्वच्छता, शारीरिक स्वच्छता और मानसिक स्वच्छता है ना। और इनफैक्ट सूक्ष्म रूप से स्वच्छता क्या है, उसके लिए हर चीज़ शुद्ध करना पड़ता है, कोई भी चीज़ भगवान को ऑफर करने से पहले शुद्ध करते हैं उसको, और हाँ मंत्र से शुद्ध करते हैं और आचमन करते हैं, ये सब क्या है स्वच्छता के लिए। और आर्जवम यानी सरलता, सरल जीवन रहना, ये भी शारीरिक तपस्या है, यानी ऐसा नहीं कि देखो ऐसा नहीं आपके पास पैसा है तो AC लगा सकते हैं ना,
एसी लगा सकते हो, एसी कमरे में रह सकते हो, और बहुत पैसा है तो महंगे महंगे गाड़ी में घूम सकते हो, और बहुत अच्छे महंगे कपड़े पहन सकते हो, सिल्क के पहन कपड़े, और 56 भोग खा सकते हो। ये सब क्या है ना, ये सरलता के विपरीत है। सरलता मतलब जितना आवश्यक है शरीर के लिए उतना ग्रहण करना, जितना जरूरी है अपनी सेवा करने के लिए उतने में ही उतने ही खर्चा करना। उससे क्या होगा, वो सरलता में आता है, वो भी शारीरिक तपस्या है। बता रहा हूँ, एक एक बता रहा हूँ ना, आप थोड़ा वेट करिए। तो शारीरिक तपस्या में ये सरलता भी आता है। कैसे? क्योंकि अगर आप बहुत लग्जूरियस जीवन जिएंगे तो तपस्या नहीं, उसमें थोड़ा सा जैसे जमीन पर सोएंगे तो थोड़ा तपस्या है, अच्छे बिस्तर पे फोम बेड पे सोएंगे तो इतना तपस्या नहीं है, लेकिन जमीन पर सोना एक तपस्या है। आर्जवम यानी सरलता भी एक प्रकार तपस्या है, शारीरिक तपस्या, राइट? हम लोग सेंट नहीं लगाते हैं, और कभी कभी हम देखते हैं कुछ कुछ ब्रह्मचारी ऐसे हैं सोने का अंगूठा पहनते हैं, सोने का रिंग और दो तीन रिंग पहनते हैं। ये सरलता नहीं है, ब्रह्मचारी मतलब कुछ नहीं है उनके पास। तो सरल जीवन जीना वो भी एक प्रकार से शारीरिक तपस्या। फिर ब्रह्मचर्यम, ब्रह्मचर्यम का मतलब अपनी जो वीर्य है उसको बचा के रखना, और ये तो एक डेफिनेशन है ब्रह्मचर्य का। और ब्रह्मचर्य का दूसरा भी डेफिनेशन है कि 8 प्रकार के ब्रह्मचर्य है। स्त्री के बारे में सोचना, स्त्री के बारे से संभाषण, स्त्री के साथ संभाषण करना, मतलब उसमें थोड़ा सा आपको मजा आ रहा है, उसमें थोड़ा सा भी अगर आप मजा ले रहे हो, हाँ वो है, तो वो आप मतलब वो भी एक प्रकार का भंग हो रहा है ब्रह्मचर्य का। हम कई बार ब्रह्मचारी प्रचार करते हैं, प्रचार करते समय बहुत सारे माता जी लोगों के साथ बात करते हैं, है कि नहीं? लेकिन वो बात करने के समय पर अगर हम विशेष करके जो यंग माता जी हैं उनके साथ अगर आवश्यकता से ज़्यादा बात करें, या बात करने में हम उसका एक सूक्ष्म रूप से अगर एक भोग प्रवृत्ति आ रहा है तो इसका मतलब ये ब्रह्मचर्य नहीं है। एकांत में बात नहीं करना चाहिए। करेक्ट, नियम है एकांत में कभी भी बात नहीं करना चाहिए किसी भी माता जी, कोई और रहना चाहिए, यस, मंदिर में या पब्लिक स्पेस में। तो ऐसा, तो अहिंसा, तो 8 प्रकार के ब्रह्मचर्य वो पूरा, वो तो एक अलग क्लास हो जाएगा। उसमें जाएंगे तो इसके अलावा और कुछ है? हाँ? आठ है, 8 प्रकार का ये है, और उसके अलावा और कुछ नियम ब्रह्मचर्य के विषय? 8 प्रकार तो समझ गए, उसके अलावा और एक्स्ट्रा कुछ है? ब्रह्मचर्य के विषय में, ब्रह्मचर्य का मतलब यही है। नहीं बस। और अहिंसा, अहिंसा का मतलब अहिंसा। समझते हैं, तो ये सब शारीरिक तपस्या है। किसी प्रकार के जीव के ऊपर जहाँ तक संभव है, जैसे इसलिए ऑल आउट यूज करने से अच्छा मच्छरदानी यूज करना बेटर है। ऑल आउट यूज करने से वो मर जाते हैं, लेकिन मच्छरदानी यूज करेंगे तो हम उनको भी हानि नहीं पहुंचा रहे हैं। लेकिन जब एकदम जरूरी है, मच्छरदानी नहीं है, कहीं बाहर गए मच्छरदानी नहीं है, तो तब ऑल आउट यूज करना पड़ेगा। आपका हेल्थ को अपकीप करने के लिए। तो रैकेट आ गए इलेक्ट्रॉनिक, वो तो बेकार ही है। और चूहों को भी पकड़ के भगा भगा देते हैं, भगा देना चाहिए। लेकिन जब जरूरत है तब आत्मसंरक्षण के लिए, या ऐसा कोई विषैला सांप आ गया लोगों को काट सकता है तो कभी कभी उसको मार देते हैं, छिपकली नहीं। तो इस तरह से हमको ये सब शारीरिक तपस्या में आता है। कौन से? देवता गुरु वगैरह का पूजा करना, यानी भगवान का विग्रह अर्चन करना, ये भी शारीरिक तपस्या है। विग्रह अर्चन करने के लिए आपको
टाइम पे उठना पड़ेगा, टाइम पे आपको नहा धो के स्वच्छ कपड़ा पहन के वहाँ पहले साफ करके, बहुत सारे नियम होते हैं, पहले एंटर करने से पहले आचमन करना, फिर साफ करना, फिर दंडवत प्रणाम करके एक मंत्र बोल के अंदर जाना, फिर भगवान को जगाना, बहुत सारे वहाँ पर नियम, वो सब करना जो है शारीरिक तपस्या है। और शौचम, स्वच्छता, सरलता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा। तो उसके बाद अभी वांग्मय तपस्या देखते हैं। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। वाचसिक तपस्या क्या है? पहले तो अभी शारीरिक तपस्या बताया, अभी वाचिक तपस्या क्या है? कैसे बातें करना, बात करने में तपस्या क्या होती है? अनुद्वेगकरम वाक्यम, ऐसे शब्द बोलना जिससे उद्वेग नहीं होता, दूसरों को उद्वेग नहीं होता। हमारे बातों से दूसरे लोग डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, डिस्टर्ब होके, एजिटेट होके, विचलित होके, चिंतित होके, दुखी होके, ऐसा ऐसे बातें नहीं करना चाहिए। उद्वेग करने वाला, नॉट एजिटेटिंग। तो ऐसे शब्द बोलना, और सत्यम, सत्य होना चाहिए, झूठ नहीं बोलना, और प्रिय हितम, और उनके हित के लिए भी होना चाहिए। प्रिय, उनको सुनने में भी अच्छा लगना चाहिए, और हित भी उनके भलाई के लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम ऐसे बात बोल रहे हैं जिससे सत्य है लेकिन उसका भलाई के लिए नहीं। जैसे कई कई बार ऐसा होता है, अगर कोई बीमार है तो बोलते हैं तुमने कोई पूर्व जन्म कर्म किया इसलिए भोग रहे हो, ये तो सत्य है लेकिन उसका प्रिय नहीं, हित नहीं है। उद्वेग भी पहुंचा रहे हो और उनका प्रिय भी नहीं है ऐसा। और स्वाध्याय अभ्यसनम, स्वाध्याय अभ्यसन यानी ग्रंथों का अध्ययन करना, बुक्स पढ़ना, यानी प्रभुपाद जी के ग्रंथ, ये सब अध्ययन करना, भगवद्गीता, भागवतम, इसका अध्ययन करना जो है वो वांग्मय तपस्या है, वाचिक तपस्या है। ठीक है, क्या क्या है फिर बताइए? अनुद्वेग, उद्वेग न करने वाली बातें करना, सत्य होना चाहिए, प्रिय होना चाहिए, हित होना चाहिए, और स्वाध्याय, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, ये सब वांग्मय तपस्या है। और उनके हित के लिए बोलना ये भी जरूरी है। एक चाणक्य पंडित का श्लोक है क्या, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात मा ब्रूयात सत्यम अप्रियम। उसके बाद प्रियम च नानृतम ब्रूयात एष धर्म सनातन। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य भी बोलना चाहिए प्रिय भी बोलना चाहिए, लेकिन अगर कोई सत्य है जो प्रिय नहीं है वो क्या करना है, नहीं बोलना है। और लेकिन कोई चीज प्रिय है लेकिन सत्य नहीं है वो भी नहीं बोलना चाहिए। जैसे किसी को अगर तारीफ करोगे, ए प्रभु जी आप तो परमहंस वैष्णव हो प्रभु, आप तो मतलब आप तो कोई राधे श्याम प्रभु गौरांग प्रभु से कोई कम नहीं है, उनसे भी बड़ा आप टीचर हो, अगर आप इतने महान टीचर हो कि एक्चुअली संन्यास नहीं लिया, नहीं था संन्यास ले लेते तो एक्चुअली ये सारे महाराज फेल है आपके सामने। ये सुनने के लिए तो बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन सत्य नहीं है तो ये भी नहीं बोलना चाहिए, जो सत्य है वही बोलना चाहिए। मतलब कोई सत्य भी हो और प्रिय भी हो तभी बोलना चाहिए, राइट। और ये तो यश धर्म सना, ये चाणक्य पंडित का भी बात है, और इसलिए प्रभुपाद बुक्स डेली पढ़ना जरूरी है, ग्रंथों को डेली अध्ययन करना, वैष्णव ग्रंथों को। ओके, अभी मानसिक देखते हैं। मन प्रसाद सौम्यत्वम,
मौनमात्मा विनिग्रह भाव संशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते तो मानसिक तपस्या क्या है मनः प्रसादः सबसे पहले सैटिस्फैक्शन ऑफ द माइंड मन प्रसन्न रहना चाहिए अब देखो भगवान का स्वरूप हमेशा कैसा रहता है प्रसन्न रहता है भगवान का भी ऐसा करके कोई तस्वीर है क्या भगवान का सिर्फ नरसिंह देव सिर्फ नरसिंह देव का है वो जब हिरण्यकश्यप का वध किया था हाँ लेकिन कभी भी भगवान का ऐसा नाराज या दुखी या ऐसा कोई पिक्चर नहीं देखते वो तो हमेशा प्रसन्न मन प्रसन्न मन प्रसन्न मन प्रसन्न रहना चाहिए सौम्यत्वम यहाँ पर प्रभुपाद जी ने अनुवाद दिया विदाउट डुप्लीसिटी टुवर्ड्स अदर्स यानी एक्चुअली सौम्य का एक अर्थ तो ये है कि बहुत सॉफ्ट नेचर का सौम्य सौम्य यानी सॉफ्ट नेचर का और यानी कपटता नहीं होना चाहिए ये यहाँ पर प्रभुपाद जी ने अनुवाद दिया फिर मौनम मौनम का मतलब मौन यानी बेकार की बातें नहीं करना ऐसा नहीं कि हमेशा चुपचाप रहना कुछ बोलना नहीं ऐसा नहीं सिर्फ भगवान के बारे में बोलना या भक्ति से संबंधित ऐसे बात बोलना जरूरी बात तो ये सौम्यत्व मौनम और फिर आत्मविनिग्रह आत्मविनिग्रह यानी मन की कंट्रोल सेल्फ कंट्रोल यानी मन को कंट्रोल करना खुद को कंट्रोल करना यानी शरीर को भी मन को भी इंद्रियों को भी सब कुछ कंट्रोल करना आत्मविनिग्रह भाव संशुद्धि ही भाव संशुद्धि का मतलब अपनी नेचर की शुद्धि अपने शरीर की शुद्धि मन की शुद्धि बुद्धि की शुद्धि और आत्मा की शुद्धि भाव संशुद्धि यानी अपने अपने स्वभाव जो है वो शुद्ध होना चाहिए मिनट प्रश्न बीच में हाथ उठाइए तो मैं बोल रहा हूँ तो उसके बीच में मत बोलिए क्योंकि मैं एक थॉट रहता है वो फिर मैं भूल जाऊंगा बोलने पाऊंगा तो भाव संशुद्धि का मतलब ये होता है कि आपके स्वभाव शुद्ध होना चाहिए यानी कपटता हिंसा द्वेष कूटनीति और दूसरे लोग पतन हो जाए या अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करना दूसरों को ये सब जो जो चीज़ है ना ये शुद्धि नहीं भाव संशुद्धि मतलब हृदय साफ हृदय साफ ये मानसिक तपस्या है अपने अपने विचार में शुद्धि होना भाव संशुद्धि का मतलब ये है ठीक है अब क्या बोल पूछ रहे थे आप ऐसे वाला रहे अंदर में तो किस प्रकार से उठा सकते हैं जो बताया देखिए ये तपस्या है ये क्या बोल रहे तपो मानस मुच्यते तपस्या जो हमको करना पड़ेगा हरिनाम से तो जाएगा लेकिन हरिनाम तो है वो तो करना ही पड़ेगा लेकिन ये तपस्या अपने को करना कोशिश करना पड़ेगा करने के लिए जैसे आपको गुस्सा दिलाने वाला या दुख दुखी पहुंचाने वाला कोई स्थिति आएगा उस टाइम पे हमको याद करना है मन प्रसाद मन को प्रसन्न रखना चाहिए सौम्यत्वम बेकार की बातें करने की इच्छा होती है लेकिन मौनम आत्मविनिग्रह भाव संशुद्धि ये सब हमको कोशिश करके प्रयास के माध्यम से भी करना जरूरी है ठीक है ये मानसिक तपस्या हो गया अभी तीन प्रकार की तीन गुण के अनुसार जो तपस्या है वो भी फटाफट मतलब
कंप्लीट कर देते, तीन श्लोक और। श्रद्धया परयातप्तम तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलाकांक्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते। सात्विक श्रद्धा क्या है? सॉरी, सात्विक तपस्या। श्रद्धा से, श्रद्धा से जो किया जाता है, दिव्य श्रद्धा से किया जाता है, ट्रांसेंडेंटल थिंग। दिव्य श्रद्धा मतलब भगवान के बातों पे श्रद्धा, उससे जो तपस्या किया। फिर अफलाकांक्षी फिर, यानी बिना फल की आकांक्षा से, और सात्विकम परिचक्षते युक्तैः, तीन प्रकार की तपस्या बताया गया है। ये तीन प्रकार की तपस्या कौन सी बताया गया? शारीरिक, मानसिक और वाचिक, है ना। ये तीन प्रकार की जो तपस्या है, अगर श्रद्धा के साथ किया जाता है, दिव्य श्रद्धा के साथ, भगवान पर श्रद्धा के साथ किया जाता है, और फल की इच्छा के बिना किया जाता है, तो वो सात्विक। ठीक है, ये तीन, शारीरिक, वाचिक और मानसिक जो बताए, तीन प्रकार की तपस्या, वो अगर श्रद्धा के साथ और फल की इच्छा के बिना किया जाता है तो ये सात्विक है। फिर उसके बाद राजसिक देखो। सत्कारमान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तम् राजसंचलमध्रुवम्। तो देखिए, जहां भी रजोगुण आता है ना, तो वहां फल की इच्छा हो, बार बार वही आता है, फल की इच्छा होती है और दंभ होता है। और सत्कार मान पूजार्थम, उनका सत्कार हो, उनका मान बढ़े, पूजा मतलब मिले, और दंभ यानी दिखावा, और ये सब जो है ना, इसके लिए जो किया जाता है ये तीन प्रकार की तपस्या, वो क्या? राजसम चलम, चलम भी एक इम्पॉर्टेंट शब्द है। चलम मतलब वो हमेशा चंचल होता है, वो हमेशा नहीं कर पाता है, थोड़ी देर करता है फिर वापस क्या होता है, वो छोड़ देता है वो तपस्या, यानी वो रजोगुण से प्रभावित है। ऐसा लग रहा है कि श्लोक मेरे लिए लिखा है। वो क्या है? सत्कार वान पूजा के लिए करता है, दंभ से करता है, और चलम अध्रुवम, अध्रुवम का मतलब भी वो है टेम्पररी, ध्रुवम का मतलब कि ध्रुव यानी कभी हिलता नहीं, और अध्रुवम मतलब हमेशा हिलते रहता है, यानी कभी करता है कभी नहीं करता है ऐसा। तो ये तीन प्रकार के तपस्या, जो हमेशा करता है यानी वो सात्विक है, जो कभी कभी करता है और वो भी इस उद्देश्य से करता है, कभी कभी मानसिक वाचिक तपस्या भी कर लिया है, इसलिए कर लिया ताकि लोग सोचें देखो कितना व्यक्ति सात्विक है ऐसा। हाँ, सत्कार मान पूजा ये सब मिले, दिखावा हो, उनका नाम बढ़े, तो इसलिए जो करता है वो टेम्पररी, जब लोग तारीफ करेंगे तब तक करेगा, जो तारीफ करने वाला नहीं रहेगा तो छोड़ देगा। अब देखिए, और एक और उसका मीनिंग ये भी है कि उसका रिजल्ट भी टेम्पररी है, जो ऐसा रजोगुण से जो तपस्या करता है उसका रिजल्ट परमानेंट नहीं होता है। अध्रुवम का मतलब ये भी है, आप रजोगुण से जो करते हो ना, सत्कार मान पूजा के लिए दंभ से जो करते हो, वो थोड़ी देर के लिए फल देगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा। तमोगुण का देखिए, मूढ़ग्राहेण आत्मनो यत् पीड़या क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्। मूढ़ग्राहेण, मूर्खता के साथ किया गया है, और पीड़या क्रियते तपः,
पीड़ा करते हैं, खुद को पीड़ा करते हैं और दूसरों को भी पीड़ा देते हैं। परस्य उत्साहनार्थम वा, यानी दूसरों का नाश के लिए करते हैं, तपस्या करते हैं, मैं तपस्या करूँगा भगवान, उसको तो दिखाना चाहिए, उसको तो सत्यानाश करना चाहिए, ऐसा सोच के जो करते हैं। मूढ़ ग्रहण मूर्खता के साथ किया गया है, खुद को पीड़ा देते हैं, दूसरों का नाश के लिए करते हैं, दूसरों का नाश के लिए या उनका पतन के लिए जो किया जाता है वो तामसिक है। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं ना, भस्मासुर, इसका सर पे हाथ रखूंगा तो वो भस्म हो जाए। परस्योत्साह हिरण्यकश्यप का एग्जाम्पल प्रभुपाद जी दे रहे हैं तात्पर्य में। तो इस तरह से जो दूसरों का ये समाज का अहित के लिए, दूसरों का नाश के लिए और उसमें खुद को भी टॉर्चर करते हैं, जैसे ये आतंकवादी होते हैं ना, अल्लाह को प्रार्थना करते हैं मैं जिहाद करने जा रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मारूँ और उसमें खुद भी मरेगा, मतलब सुसाइड करते हैं, सुसाइड बॉम्बर उसको पता है कि वो मरने वाला। तो ये सब तामसिक है, मूर्खता के साथ, उनके पास ज्ञान भी नहीं है। ऐसा नहीं कि बहुत सारे शास्त्र पढ़े हैं वो लोग, किसी ने कुछ बोल दिया तो उसी को सत्य मान लिए। वो किसी एक ब्राह्मण ने बोला था कि एक पति पत्नी है, उनको बच्चे नहीं, तो बच्चा होने के लिए वो बोला कि एक काम करो, एक छोटा सा बच्चा को मार दो और उसका जो खून है उससे स्नान करो और उससे आपको बच्चा होगा, एक बोला था। और ऐसा किया उन लोगों ने और जैसे वो नहाने वाले थे वो रक्त के साथ, उस टाइम पुलिस आके पकड़ लिया उसको ऐसा बोलते हैं, गोविंद प्रोजेक्चर बोलते हैं। तो ये तामसिक विचार भी नहीं। ठीक है, जय श्रीमद् भगवद गीता की। कोई प्रश्न है किसी को? श्रीमद् भगवद गीता की श्री प्रभुपाद की प्रेमानंद देवी।